नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स पे, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बातें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले रनिंग स्ट्राइड के ऊपर। रनिंग स्ट्राइड का क्या बेनिफिट है, इसको कैसे करना चाहिए, इसको कब करना चाहिए, सारा चीज़ आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो रनिंग स्ट्राइड क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। रनिंग स्ट्राइड बेसिकली ये समझिए कि रनिंग फॉर्म को अच्छा करने के लिए रनिंग स्ट्राइड लगाया जाता है, ठीक है। रनिंग स्ट्राइड क्या होता है, 60 to 90% का एफर्ट लगाकर स्प्रिंट लगाना है, ठीक है। क्या समझे, पूरे दम से नहीं, स्प्रिंट लगाना है 60 to 90% का एफर्ट से, हाथ और पैर और बॉडी के पोजीशन को सही रखने की कोशिश करना है, इसी को बोलते हैं स्ट्राइड। और हर सिचुएशन में स्ट्राइड अलग अलग टाइप का होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होता है स्ट्राइड लगाने से, तो दोस्तों स्ट्राइड लगाने से क्या फ़ायदा होता है, जो आपका स्ट्राइड लेंथ होता है, ठीक है, मतलब पैर खुलने की क्षमता, वो थोड़ा बढ़ जाता है। आपका जो रनिंग स्पीड होता है वो थोड़ा इंप्रूव होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है कि जो आपका रनिंग का फॉर्म है, हाथ आपका गलत चलता है, पैर आपका गलत चलता है, वो चीज़ आपका स्ट्राइड सही करता है। और एक इसका इंपॉर्टेंट ये है कि आपका इंजरी प्रिवेंशन करता है। आप वार्म अप के तौर पर अगर इसको करते हैं तो आपका जो इंजरी होने वाला है, इंजरी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। स्ट्राइड जो है दोस्तों, वो चाहे कोई भी इवेंट हो, आपका 100 मीटर हो, चाहे 1600 मीटर हो, चाहे 5 किलोमीटर हो, चाहे 10 किलोमीटर हो, सारे के धावक जो स्ट्राइड जरूर लगाते हैं। आप जितने भी इंटरनेशनल देखे हो रनर, चाहे नेशनल रनर देखो, तो वो स्ट्राइड जरूर लगाते हैं। और स्ट्राइड का बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, स्ट्राइड का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप कोई सा भी इवेंट प्रैक्टिस करते हो, स्ट्राइड के बिना आप बहुत आगे तक जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं स्ट्राइड को कैसे लगाना है। दोस्तों, ऐसे तो स्ट्राइड 60 to 80% का एफर्ट से लगाया जाता है, लेकिन जब आप कहीं पर रेस भाग रहे हो तो वहाँ पर आप छोटा स्ट्राइड 90% 95% का भी एफर्ट लगा के भाग सकते हो। और आप जब प्रैक्टिस करने चाहते हो तो वार्म अप के तौर पर स्ट्राइड को आप 5-6 जरूर लगाया करें, कम से कम 60 से 80 मीटर का। और जो लॉन्ग रेसर है वो उसको 120 मीटर तक भी लगा सकते हैं 6-7 स्ट्राइड। दोस्तों, स्ट्राइड जब भी आप लगाते हैं तो शुरू में हल्का धीरे स्टार्ट करें और आप बीच में थोड़ा पेस करें, फिर जब आप फिनिश करते हैं तो फिर धीरे फिनिश करें, एक ही बार अचानक नहीं रुक जाएं। और बहुत लड़के लोग क्या करते हैं कि जब आपस में स्ट्राइड लगाते हैं तो स्ट्राइड में ही घीचातेरी करने लगते हैं कि मैं आगे जाऊँ, तो ये चीज़ नहीं करना है। स्ट्राइड बस होता है बॉडी खोलने के लिए, बॉडी को अच्छे तरह से रेडी करने के लिए आप आगे जो भी वर्कआउट, जो भी रेस भागने वाले हैं उनके लिए। जब आप रनिंग स्ट्राइड लगाते हैं तो सीधा लगाया करें, इधर उधर टेढ़ा वेढ़ा नहीं भागना है, हाथ पैर इधर उधर नहीं रखना है। अगर आप सीधा धीरे धीरे कोशिश करने लगेंगे तो आपका रनिंग का फॉर्म बहुत अच्छा होता जाएगा दिन प्रतिदिन। और दोस्तों, जिन लोगों का रनिंग किसी कारणवश छूट जाता है 5 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, फिर जब आप वापसी करते हो ग्राउंड में तो 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का लॉन्ग रनिंग किया कीजिए और 8-10 स्ट्राइड लगाया करिए पहले 4-5 दिन के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जिस दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या फिर ABC ड्रिल्स करते हैं या फिर स्ट्रेंथ की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, खास करके लोअर बॉडी का, तो उस दिन स्ट्राइड जरूर से लगाया करें। आपका जो भी पेन रहने वाला है अगले दिनों के लिए, वो बहुत कम कर देता है स्ट्राइड लगाने से, ठीक है। आपको थोड़ा रिलैक्सिंग फील करवाता है। आप ऐसे स्ट्राइड तो डेली लगा सकते हैं, लेकिन वीक में 1 से 2 दिन आप स्ट्राइड का जरूर रखा करें, जिसमें आप 8 से 10 स्ट्राइड लगाया करें, कम से कम 60 मीटर से 80 मीटर के आसपास का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपका रनिंग फॉर्म के लिए, आपका रनिंग परफॉर्मेंस के लिए भी। आप चाहे आर्मी की प्रैक्टिस करते हो, चाहे किसी भी इवेंट, सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप स्ट्राइड के दौरान रिकवरी जॉगिंग में वापस आने तक ले सकते हैं, या फिर आप चल के भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो। स्ट्राइड का अलग बेनिफिट है, अगर आप इसको रनिंग से पहले करते हैं तो उसका अलग बेनिफिट है, और रनिंग के बाद अगर करते हैं तो उसका अलग बेनिफिट है। लेकिन रनिंग के बाद जिस दिन आप ABC ड्रिल्स करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो या फिर आप लॉन्ग रनिंग करते हो, उस दिन अगर आप रनिंग के बाद करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन रेपिटेशन के बाद आप डायरेक्ट कूल डाउन स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। दोस्तों, स्ट्राइड का एक और बहुत ही ज़्यादा फायदा वो ये है कि बहुत लड़के बस लॉन्ग रनिंग करते हैं, स्ट्राइड वगैरह नहीं लगाते हैं, तो उससे क्या दिक्कत होती है कि उनका जो खींचने की शक्ति होती है, तेज़ दौड़ने की शक्ति होती है, लास्ट में वो कम हो जाता है। स्ट्राइड लगाने से ये चीज़ आपका इम्प्रूव रहेगा, आप अपना जो भी आपका रेस है उसमें 100% दे पाओगे मेरे भाई। तो भाई और बहनों, आपको स्ट्राइड का बेनिफिट समझ में आ गया होगा, तो अब आपको क्या करना है, आपको हर दिन अपना वर्कआउट शेड्यूल में स्ट्राइड को जोड़ लेना है। आप जब वार्म अप करते हो, वार्म अप के साथ साथ 5-6 स्ट्राइड जरूर लगाया करें, और मैंने जब जब बताया है आप उस वक्त भी स्ट्राइड लगा सकते हैं। और ऐसे मैंने जो भी वर्कआउट आज तक बनाया है चैनल पे, मैंने सब में स्ट्राइड जरूर दिया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आप स्ट्राइड कहाँ पर लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पहला जो हमारे पास है स्ट्राइड, आप कब लगा सकते हैं, जब आप इसको वार्म अप के तौर पे भी उपयोग कर सकते हैं। जब आपका 3-3.5 चक्कर वार्म अप कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आप 4-5 स्ट्राइड जरूर लगाया करें,
इससे क्या होगा, आपका हाथ और पैर अच्छे से खुल जाएगा, उसके बाद आप जो भी रनिंग की प्रैक्टिस करोगे उसमें अपना बेस्ट दे पाओगे। ठीक है, तो पहला सिचुएशन आप यहाँ पर वार्म अप के तौर पर लगा सकते हो। दूसरा सिचुएशन क्या है, जब आप इजी लॉन्ग रनिंग करते हो, ठीक है, या फिर किसी दिन कुछ करने का ज़्यादा मन नहीं करता, बस सोचते हैं लॉन्ग रनिंग कर ले, तो उसके बाद स्ट्राइड जरूर से लगाया कीजिए। ठीक है, कम से कम 60 मीटर से 120 मीटर के आसपास का या 100 मीटर के आसपास का स्ट्राइड जरूर लगाया करें, 6 से 8 स्ट्राइड, जो आपका रिदम है वो बना हुआ रहेगा। तीसरा जो सिचुएशन है वो है दोस्तों, आप जब कहीं गेम खेलने जाते हो, बहुत सारे गेम में चाहे खास करके आर्मी में, वहाँ पर वार्म अप का टाइम नहीं मिलता, तो वहाँ पर तो आप नहीं लगा सकते, जाहिर सी बात है। लेकिन जहाँ पर आपको टाइम मिलता है तो वहाँ पर स्ट्राइड जरूर लगाया करें। ठीक है, छोटा स्ट्राइड लगाया करें लेकिन ज़रूर लगाया करें। छोटा स्ट्राइड मतलब कि 50 से 60 मीटर के आसपास का स्ट्राइड लगाया करें और थोड़ा तेज़ लगाया करें, 4-5 स्ट्राइड लगाया करें। ठीक है दोस्तों, अब भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में बताना। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो दोस्त मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।